पिपरिया विधायक ठाकुर दास नागवंशी, वरिष्ठ भाजपा नेता बलराम सिंह बैस, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी शिवेदु जोशी ने पिपरिया के कई क्षेत्रों को अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सैनिटाइज किया और आगे भी ये व्यवस्था सतत जारी रहेगी ऐसा आश्वासन दिया। इसी के साथ नगर के वाल्मीकि समाज परिवारों से मिले उनके बच्चों को चॉकलेट्स, स्ट्रेप्सिल्स टैबलेट बांटी और उनके भोजन व्यवस्था और अन्य समस्याओं के बारे में जाना और सभी को फल वितरित किए। तहसीलदार एवं सीएमओ भी इस कार्य में सम्मिलित रहे। और घर है क्या और कोई नहीं। माता राम राम राम। प्रतीक बनाए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? कोरोना और लॉकडाउन को लेकर तो लंबे समय हो गया है, इसलिए हम ये लोगों का उत्साह हमारे बढ़ाना है ताकि वो हमारे साथ लॉकडाउन में खड़े रहें। हम झांकी के माध्यम से आज झांकी बनाई गई है, कल हमने यमराज 3-4 दिन पहले यमराज बनाया था ताकि लोगों का उत्साह बढ़ा रहे, उनका हौसला अफजाई करते रहें और उनका सहयोग हमें मिलेगा क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया है और लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, इस सहयोग के लिए भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। म्यूज़िक सब कुछ ये सामने आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? लगातार शहर को सनराइज किया जा रहा है, पिपरिया विधानसभा में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग जो हमें सहयोग कर रहे हैं हम उनसे आगे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं क्योंकि हमारा होशंगाबाद जिला रेड जोन में है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम उनका उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं जो हमारे लॉकडाउन में कोरोना योद्धा हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिस विभाग है, हमारे सफाई कर्मी भाई लोग हैं और सभी सामाजिक सेवक जो हमें सहयोग कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़े। नगर में कोरोना को लेकर जो डर है वो डर को भी हम खत्म करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम बनाएंगे हम इस लड़ाई से बहुत अच्छे जीतेंगे। पिपरिया से खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।